नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। बहादुराबाद के सिडकुल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने अलग अलग जगहों से 4 मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार किया है, वहीं उनके पास से 5 मोटरसाइकिलें भी बरामद की है। बता दें, सिडकुल थाना क्षेत्र अंतर्गत बाइक चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के द्वारा एसपी सिटी व सीओ सदर हरिद्वार की देखरेख में इन बाइक चोरी की धरपकड़ के लिए टीमें गठित की गई और लखपत बुटोला सिडकुल थाना अध्यक्ष ने टीम के साथ खास सतर्कता दिखाते हुए मुखबिर की सूचना पर अलग अलग जगहों से 4 बाइक चोरों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से 5 मोटरसाइकिलें बरामद की गई। घटना का खुलासा करते हुए डी सेंथिल अबुदई कृष्णराज एसएसपी द्वार ने बताया कि जो चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी उन्हें रोकने के लिए जो हमारे द्वारा टीम गठित की गई थी, हमारी पुलिस टीम ने 5 मोटरसाइकिल के साथ 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए हम सफल रहे हैं। गिरफ्त में आए अभियुक्तों का अपराधी इतिहास खंगाला जा रहा है और जो भी तथ्य सामने आएंगे आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के हर संभव प्रयास किए जाते रहेंगे। फिलहाल 4 अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। चोरी तो हो सकता है, उसके आधार पर जो है पुलिस ने उनको बहुत रिसर्च करने पर जो है हमें बहुत अच्छा एक सफलता मिली। इससे जो है 4 लोगों को जो है हमने गिरफ्तार किया है। उनका नाम है गौतम है, आकाश है, आकाश बुल्लू है और गौरव है। और इन 4 लोगों से जो है हमें 5 मोटरसाइकिल जो है बरामद हुई है और इनको पूछा पता चला कि इनका जो मेन हेड है जो विकास है वो पहले जो है रानीपुर कोतल के नाम ही है, उनको गिरफ्तार करके हम जेल भेज दी गई है। अभी इन बाकी लोगों का भी आपराधिक इतिहास देखा जा रहा है और इनका ऊपर जो है गैंगस्टर भी लगाया है। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी, ऊंचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी। महुआ विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में पिछले 3 सालों से मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा में तत्पर। कोरोना जैसे महामारी को आए हुए 5 महीने हो गए जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंद है, लेकिन इन्होंने इस संकट के घड़ी में भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं अपने अस्पताल के माध्यम से। पिछले 5 महीनों से कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन मास्क का वितरण और लोगों के बीच घूम घूम कर इस बीमारी के खिलाफ सजग रहने की सलाह दी। महुआ विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कैंप के दौरान फ्री दवा का वितरण। क्यों करे विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। डॉक्टर आसमा परवीन, प्रदेश महासचिव जदयू बिहार, स्वभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधानसभा 126। संस्थान मिशा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जौहरी बाजार, हाजीपुर, वैशाली।